खरगोन जिला मुख्यालय पर नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले सप्ताह से आंदोलन कर रहे सहकारी समिति के कर्मचारियों को बुधवार पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने समर्थन दिया। यादव दोपहर में टैगोर पार्क स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। कर्मचारियों ने पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं अरुण यादव ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस दौरान अरुण यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा रिजल्ट, व्यापम महंगाई पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार से आम आदमी, व्यापारी, कर्मचारी सभी परेशान हैं। देश में प्रतिदिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर कहा कि चुनाव आते हैं तो पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाते हैं, वहीं चुनाव खत्म होते ही भाव बढ़ा दिए जाते हैं। जबकि क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव कम हुए, फिर भी भाव क्यों बढ़ रहे हैं? इससे केंद्र सरकार सीधे सीधे लोगों के जेबों में डाका डालने का काम कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जी यादव यहां आए थे आज हमारे धरना स्थल पर, और हमें बोल के गए कि आपकी मांगे पूरी न्यायोचित है। जब हमें मौका मिला था हमने करने की कोशिश की, लेकिन मौका हमारे हाथ से चले गया था, तो आपका काम पेंडिंग रह गया है। अब हम इस माननीय सहकारिता मंत्री और सीएम साहब से बात कर आपकी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द करेंगे। क्या मांग, मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि शासकीय कर्मचारियों की भांति हमें वेतन और भत्ते प्रदान किए जाए, सुविधाएं शासकीय कर्मचारियों की भांति प्रदान की जाए। आज कितने दिन हो गए हड़ताल? आज हमको 8 दिन हो गए हड़ताल में बैठे हुए। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। जो सिस्टम है वो आपके सामने है, किस तरह से अभी इसके पीछे एक बहुत बड़ी बहुत बड़े बड़े लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, और वो सरकार से संबंधित लोग। अब धीरे धीरे परत खुलती जा रही है, आपने देखा होगा कि आज भी आया है, और केवल ग्रेड 3 में नहीं, पुलिस भर्ती में, कृषि विस्तार अधिकारियों की परीक्षाएँ, उसमें कोई ऐसी परीक्षा मध्य प्रदेश में नहीं जो व्यापम के माध्यम से जिसमें गड़बड़ी नहीं हुई। हम बार बार मांग करते रहे हैं, और हमने तो पिछले 2013 से इसका संघर्ष हम लोग कर रहे हैं कि व्यापम में जो लोग लिप्त हैं, बार बार सरकार उनको बचाती है। सरकार कार्रवाई तो कुछ ही, आज भी व्यापम जो वर्ग 3 की जो कर्मचारी परीक्षा में जो गड़बड़ हुई है उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज एक हफ्ते से ऊपर तो सरकार के ही लोग इसमें लिप्त हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ते हैं। जगत के प्राइमरी सोसाइटी के कर्मचारी आने जो मिले यहाँ, और पिछले 20 सालों से ये अपनी माँ को लेकर गुहार लगा रहे हैं, और ये वो सरकार का वो अंग है जो सरकार का सारा काम करता है। जितने भी योजनाएं सरकार बनाती है इसको मूल रूप देने का काम ही हमारी सोसाइटी के हमारे कर्मचारी करते हैं। तो जो इनकी जो मेन जो मूल डिमांड है वो कि वेतन मान इनको जो मिलता है वो उसमें बहुत त्रुटियां हैं, और वो बार बार समान वेतन की मांग सरकार से करते रहे हैं, और पिछले कई सालों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 2018 में भी हमसे ये लोग मिले, उस समय हमने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री से उनसे भी हमने बात की थी, गोविंद सिंह जी जो कॉम्पिटिटिव मिनिस्टर से उनसे भी हमने बात की थी, लेकिन चूंकि 1.5 साल में ही सारा वो ध्वस्त हो गया सिस्टम हमारा, तो जो हम सहयोग करना चाह रहे थे तो नहीं कर पाए। तो आज इनसे ज्ञापन मुझे मिला है, मैं इसमें क्या बेस्ट पॉसिबल हम लोग सहयोग कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, पेंशन अधिकारी को चिट्ठी लिखेंगे, रजिस्ट्रार से भी बात करेंगे। 1 तारीख को इनका प्रदेशव्यापी आंदोलन भी भोपाल में है, वहाँ पे भी हम लोग सम्मिलित होंगे, और जो अच्छे से अच्छे मदद हम लोग कर सकते हैं करने को। भैया पुलिस भर्ती में और एक हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।